Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. So hello guys, वेलकम बैक टू योर चैनल मोटर निर्मल। और शुरू करते हैं आज का रिव्यू। आज के लिए हमारे पास बाइक है पल्सर की N160। तो आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं, इसमें कितनी पावर है, कितना वेट है, कितना माइलेज देती है और ऑन रोड कितने की पड़ती है, सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे देखते रहिए। तो चलो शुरू करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले आगे से शुरू करते हैं। तो इसमें आपको ये देखने को मिल जाता है आगे प्रोजेक्टर, जो कि काफ़ी अच्छा थ्रो देता है रात के समय, काफ़ी अच्छी लाइट दिखती है, मतलब काफ़ी अच्छी रोशनी दिखती है रात को। और आगे का ये मडगार्ड डुअल टोन मिल जाता है, आगे ब्लैक ग्लॉसी कलर मिल जाता है और ये पीछे वाला थोड़ा सा मैट टाइप का है ग्रे कलर में। और इसमें USD फोक्स नहीं मिलते, कन्वेंशनल फोक्स मिलते हैं इसमें। और इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। और जो आगे का डिस्क है वो आई थिंक 280mm का है और जो पीछे का है वो 200mm का है, डुअल चैनल ABS है। और डुअल चैनल ABS में आपको यही कलर देखने को मिलेगा, ये ब्लैक कलर, जो कि सिंगल चैनल ABS आता है उसमें आई थिंक आपको दो या तीन कलर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं टायर सेक्शन की। तो पहले बताऊँ टायर सेक्शन, मतलब आगे का जो टायर है आपको 100mm सेक्शन का देखने को मिल जाता है, मतलब इसकी चौड़ाई जो है वो 100mm है। और अब आ जाते हैं पीछे के टायर पे। पीछे के टायर की बात करें तो ये आपको मिल जाता है 130 सेक्शन का। और पीछे इसमें मोनोशॉक देखने को मिल जाता है आपको, ये कौन से ब्रांड का है मुझे दिख नहीं रहा। और यहाँ पर आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाता है। और क्योंकि ये बाइक BS6 है तो इसमें कैटलेटिक कन्वर्टर भी है और फ्यूल इंजेक्शन भी है। अपन बात करें इसके फुट पैक्स की, तो भाई दोनों ही फोल्डेबल हैं। देखो आप, इससे होता क्या है, जब भी आपकी बाइक गिरेगी तो ये टूटने से या मुड़ने से बच जाएंगे, बिकॉज ये गिरेगी तब फोल्ड हो जाया करेंगे। और इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी है, आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं बाइक स्टार्ट करूँगा करके बताता हूँ, ये मैंने बाइक स्टार्ट की, अब मैं जैसे ही इसका साइड स्टैंड लगाऊंगा तो ये बंद हो जाएगी, देखना। ये देखो भाई, तो काफ़ी अच्छे फीचर हैं, मतलब आपकी बाइक में जब भी साइड स्टैंड लगा होगा तो ये स्टार्ट ही नहीं होगी। अब आपको बता देता हूँ कि इसमें कितनी पावर मिल जाती है। इसमें मिल जाता है अपन को 164, मतलब लगभग 164.6 कुछ CC का इंजन है। तो इस इंजन से आपको पावर मिल जाती है 15 BHP, जो कि 8750 RPM पे मिलती है। और टॉर्क मिल जाता है 40 Nm का टॉर्क मिल जाता है 6750 RPM पे। अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि पहले RS में आता था, अब मोस्टली इन्होंने क्या किया है 125 जो INS आती है उसमें भी ऐसा ही एग्जॉस्ट दे दिया है। और इसका माइलेज आपको मिल जाता है लगभग 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर। एक बार मीटर ऑन करके दिखाता हूँ इसका। डिजिटल और एनालॉग का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी अच्छा मीटर है। और इसमें आपको USB चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाती है यहाँ पे, मोबाइल वगैरह डिस्चार्ज ना हो इसलिए। हालांकि उतनी अच्छी तो नहीं है, मैंने टेस्ट नहीं की, पर बस यही है कि आपका मोबाइल पूरी तरह डिस्चार्ज होने से बच जाएगा। इसमें पीछे की जो लाइट है, हाँ ये LED है, एक बार आपको ऑन करके दिखाता हूँ, मैं ब्रेक जला के दिखाता हूँ। हाँ भाई, काफ़ी अच्छी जल रही है लाइट। और पीछे ये टायर अगर देखने को मिल जाता है जो काफ़ी सॉलिड है, लेकिन इसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो LED नहीं है, हैलोजन है, देख सकते हो आप, बल्ब वाले इंडिकेटर है। LED होते तो और भी अच्छा लगता। नीचे अंडरबेली काउल देखने को मिल जाता है प्लास्टिक का छोटा सा, इससे बाइक थोड़ी और अच्छी दिखने लगती है। सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाता है आगे, जो कि काफ़ी लाउड है। और एक बार इसको अब मैं आपको राइड करके दिखा देता हूँ। तो भाई इसकी सीट हाइट चेक करवा देता हूँ एक बार आपको। इसकी सीट हाइट है 795mm और मेरी हाइट है 5.6, थोड़ा सा कम। तो मेरे पैर इस पे इतने टच हो रहे हैं, जो कि काफ़ी मैनेजेबल है। एक्चुअली मेरे पैर ज़्यादातर मोस्टली बाइक पे इतने ही टच होते हैं, जो मेरे लिए कम्फर्टेबल है, मैं तो इसे आराम से चला लूँगा। तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा आप चला पाओगे या नहीं। और इस पर सबसे पहले बैठते ही मुझे इसका पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल लगा, जो कि टूरिंग के लिए, लॉन्ग राइड्स के लिए कंफर्टेबल होने वाला है। एक बार इसका प्रोजेक्टर और दिखा दूँ आपको। तो ये रहा एक इसका प्रोजेक्टर, काफ़ी मेरी आंखों पे पड़ रहा है अभी, थ्रो तो इसका काफ़ी अच्छा है, हालांकि दिन में कुछ कह नहीं सकते और रात में पता नहीं, मैंने रात में चला के तो देखी नहीं है। तो अब मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको कैसी क्या पावर है।
तो शुरू करते हैं। ये तो यार चलने में काफ़ी स्मूथ है, इंजन काफ़ी स्मूथ महसूस हो रहा है इसका, और टैंक भी काफ़ी वाइड लग रहा है, और मेरे पाँव जो हैं इसकी टैंक पे अच्छे से टक हो पा रहे हैं, अच्छे से ग्रिप मिल रही है। तो अब थोड़ा भगाते हैं। ये तो यार बहुत बहुत अच्छा भाग रही है। आई थिंक अपाचे 162V से इसमें ज़्यादा पिकअप है। तो अब दिखाता हूँ इसका पिकअप। वाह यार क्या बाइक है, क्या भाग रही है। क्या पिकअप है, क्या बाइक है यार। अब देखो कितनी अच्छी बैलेंसिंग है बाइक की, मैं इजीली इसको इधर से उधर कर सकता हूँ। एक बार इसका एग्जॉस्ट साउंड और सुना दूँ आपको मैं, तो एग्जॉस्ट साउंड कुछ ऐसा है, काफ़ी बेसी नोट है, काफ़ी अच्छा है, बहुत मज़ा आता है, एक थंप मिलती है आपको चलाते समय, ज़बरदस्त भाई। तो ऐसा कुछ था अपनी पल्सर N160 का रिव्यू, आप लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो भाई। तो इसकी ऑन रोड प्राइस है 1,50,000 के आसपास, थोड़ा कुछ हज़ार ऊपर नीचे हो सकती है, बट इतनी प्राइस सेगमेंट पे ये बहुत ही अच्छी बाइक है यार, काफ़ी अच्छा माइलेज, काफ़ी अच्छा पिकअप देती है, काफ़ी अच्छी पावर है, तो आप लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो। यही था अपना पल्सर N160 का रिव्यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा अगर आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और आप अगली रिव्यू किस बाइक का देखना चाहते हो प्लीज़ कमेंट कर देना वीडियो में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।